सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो राग बिलावल महला चौथा करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उदम मत प्रभयंतर जामी ज्यों प्रेरे त्यों करना उद्यम मत प्रभयंतर जामी ज्यों प्रेरे त्यों करना ज्यों नटुआ तंत वजाए तंती त्यों वाजें जंत जना जप मन आराम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया हर हृदय हर बसना रहा माया गिरस्त प्रमत है प्राणी रख लेवो जन अपना ज्यों प्रहलाद हर नाखस ग्रसियो हर राखियो हर शरणा कवन कवन की गत मित कहिए हर किए पतित पवना ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे हर उधरियो परयो शरणा प्रभ दीन दयाल भगत भवतारन हम पापी राख पपना हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दासन्ना प्रभ दीन दयाल भगत भवतारन हम पापी राख पपना हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दासना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश शाम समय सत्संगत दे ए पल असी माण रहे हां। इस समा गुरबाणी व्याख्यान दा है। इस विच बिलावल राग दा संदेश गुरु रामदास साहब द्वारा गुरु नानक जोत दे चौथे जानशीन उन्हां द्वारा उचरित किया गया ये मुकामी शब्द है। बचन दी विवेचना कोई गालबन दो रोज तो असी कर रहे हां। बीते विच बड़ी डिटेल दे अंदर रहाउ दा पता डिस्कस होया, फिर बीते कल असी पहले पदे दे उत्ते विस्तार नाल बात पाई। अज समुचा शब्द असी विचारांगे। एक सरसरी नज़र रहाउ दे बनते है, सब जिक्र करदे ने जप मन राम नाम रसना। सीधे तौर ते मन नूं एड्रैस किया गया है। गुरु साहब अपने मन नूं एड्रैस करते हुए सानूं समझाउंदे ने, मतलब अध्यात्मकता कह लो, रूहानियत कह लो, स्पिरिचुअलिटी कह लो, धार्मिकता कह लो, वट एवर वर्ड वी प्रैफर वी कैन यूज, बट लिटरली वे दे नाल जिहड़ा मैथड आ वो मैथड है अपनी कॉन्शियस नूं अवेयर करना। जे बंदा अपनी चेतना दे लैवल ते नहीं आया, चेतन ही नहीं होया, तो डेफिनेटली बाकी सब कुछ रिचुअलिज्म आ। बाबा जी इस करके वार वार बात कर दे, अपने आप ना गल कर, ट्राई टू टॉक टू योर ओन कॉन्शियस, ट्राई टू अवेयर योर ओन कॉन्शियस। अगेन जप मन, अपने मन नाल बात हो रही है तो फिर करना की है। ये नहीं कि कला जिवें सिंपल करके बात की जाए कि कई बार असीं कह दिंदे हां जी मैं ना मन करके बहुत चंगा बंदा, भाई बिहेवियर क्यों माड़ा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि मन, सपोज करो मन इस तरह कह लो कि वो किसी
सीडी प्लेयर विच लगी हुई सीडी है ना, वो एक इंटरनल सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रही है। तो स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है उस स्क्रीन दे वो जिहड़ा डीवीडी प्लेयर है उहदे विच पिया होया कंटेंट आ। बंदा ये किवें कह सकता है वो तो कंटेंट बहुत वधिया है, स्क्रीन पे ठीक नहीं आ रहा। भाई जे स्क्रीन पे ठीक नहीं वो तो कंटेंट ठीक नहीं। जे विहारक तौर पर प्रैक्टिकल साइड तो कुछ चीज़ा नहीं आ रही मन की दुनिया ने ठीक, सो उदे ते तरजीह दी जाए। जिवें कई बार बात हुई दे बाबत मैं याद आया, लिटरली तौर पर वैसे कई बार हुई पर एक बार मैं पक्का याद आया कि एक बच्चा मेरे को आया, बड़ी वैल ऑफ फैमिली चो बच्चा सीगा। तो वो कहें जी ये बहुत साडा ही कसूर आ, असी इन्हें स्पोइल कर लिया, तो हूँ स्पोइल्ड किड जिहड़ा सानू तंग करता है, बिल्कुल आखे नहीं लगता, कोई कम नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, तो बस नशे पत्ते खाने लग गया। एंड वी आर एक्चुअली वेरी मिजरेबल, वेरी सैड, सो प्लीज हैल्प अस। मैं उहदे नाल गलबात की, वो जो गलबात की तो हूँ दो चार गल्लां तो बाद मैं उहदी कुछ उहदे बिहेवियर के प्रति अकाउंटेबिलिटी की गल की। हुण फसदा सीगा, ही गॉट स्टक देयर। तो वह कहिंदा जी मैं तुहानू सच्ची दसा, यू कैन आस्क दैम, आई एम वेरी गुड परसन बाय हार्ट, पुछो इन्हों, मम्मी डैडी पुछो। मैं क्या उन्होंने ही लैना तू विच, तू मेरे नाल गल करी? कहिंदे नो 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 नो, वी मेरे नाल ते फस गया, उन्होंने बुलाओ, तो उन्होंने बुला के पुछो बाय हार्ट आई एम वेरी गुड परसन, दिल का बहुत चंगा आ। मैं क्या जी बिल्कुल ठीक है, पर हाउ यू गोना प्रूव दैट? मैं प्रूव करेंगे किवें करेंगा? मैं दिल खोल के नहीं वेख सकता तेरा, मैं तो वेख सकता तेरा विहार की है, तू प्रैक्टिकली किस तरीके नाल कर रहा है। जे बंदा कहिंदा मैं मन करके किसी चीज़ की आराधना किसी चीज़ नूं तैयार हाँ, बाबा जी कह रहे रसना भी तो होए, दैट इज गोना कम योर एक्चुअली काइंड ऑफ वे ऑफ लाइफ। इतने बाबा जी का बचन है, जप मन राम नाम रसना, फिर क्या मस्तक लिखत लिखे गुरु पाया। बड़ी डिटेल्ड बात हुई, हर चीज़ नूं किस्मत ते भाग ते इहदे उत्ते ले जा के ना छड़ दिता जाए, चीज़ां नूं सही परस्पेक्टिव विच समझिया जाए। मत्थे दे लेख देखो, सरकमस्टांसिस असीं बहुते नहीं बदल सकते, इहदे च कोई शक नहीं है, पर जिहड़ी गिवन सिचुएशन है उहदे च बैटर चॉइस असीं बना सकते। यह है ना, हमेशा धरती ते चंगे लोग रहे ने, ना हमेशा माड़े लोग रहे ने। अगे जाके दो एग्जाम्पल्स महाराज देणगे मिथिहास विच्चों ते एक हिस्टरी तवारीख विच्चों। मिथ जिहड़ी मिथियोलॉजी चों आएगा वह प्रहलाद ते हरनाकश वाला है, जिहड़ा हिस्टरी चों आएगा भगत रविदास जी का आएगा गुरु रामदास साहब। इन द सेम शब्द इहदे मायने समझे जाण कि एक्चुअल लैवल ते मायने की ने। समा समाज जैसा मर्जी होए उहदे च अच्छाइयां भी रहियां ने, बुराइयां भी रहियां ने, चंगे भी रहे ने, माड़े भी रहे ने। हुण उहना गिवन सिचुएशन दे च गिवन टाइम पीरियड दे विच तुसीं चॉइसिस बनाउणियां। मैं किहदे मत्थे लगणा आ? जरूरी तो नहीं कि मैं सारा जिहड़ा हैगा आ माड़ी संगत ही करनी है, माड़ियां दी सोहबत ही करनी है। जे आले दुआले झात मारांगा चंगे भी होणगे, वह भी होणगे जिहड़े जीवन दे उधार ते उत्थान वास्ते हैल्पफुल होण। सो बाबा जी कहिंदे ये मस्तक लिखे ये लेख भी पढ़ जो ये तेरे वास्ते जरूरी एफर्ट आ। फिर क्या गुर पाया? पर यह है जदों गुरु नूं प्राप्त किया। गुरु का मतलब इतने सिंपल तौर पर लवो कि स्पिरिचुअल गाइडलाइनस देने वाला इंस्टीट्यूशन। जदों उसनू मैं एक ट्रैक नूं उसनू फॉलो किया तो फिर होया कि हर हिरदा हर बसना, जिहड़ा असल विच जिहदा घर सीगा हिरदा घर ते उहदा ही बीते कल भी बात हुई सी, वह हरी आके वस गया विच, इह रहा उहदा बन सीगा। अज दो नंबर पदे तो अगे तुरदे हाँ, महाराज गुरु रामदास साहब कहिंदे माया ग्रिस्त प्रमत है प्राणी, रख लेवो जन अपना। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी। माया एक तो सीधे तौर पर माया जिन्हों से मटीरियल कहने पदार्थ, पदार्थ नू साढ़े ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट दे विच पुराने समय तो बड़ा पंडिया गया, पदसिया गया, बड़ा एहो जी बात की थी गई।
लिटरली तौर पर बात की जाए तो पदार्थ के परमार्थ के बैलेंस की गल हो रही है। जो बैलेंस बंदा तोड़ेगा तो वह आइदर बिल्कुल राजे वर्गा जीवन जीण वास्ते तो विलासती जीवन जीण वास्ते तुर पेगा जे पदार्थ वाले पासे जाएगा, तो जे परमार्थ वाले पासे बिल्कुल जाएगा तो फिर योगी मौक बन जाएगा। जदों गुरु नानक साहब की असीं तारीफ पढ़ते हाँ मतलब लिटरली तौर पर कि बाबा नानक जी ने सानू किहड़ा पाथ फॉलो करन लई कहा हैगा, तो भट्टां दा सवैया आपने कई बार पढ़िया सुनिया होगा, गावों गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावें गंभीर धीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे गावें इंद्राद भगत प्रहलादत आत्म रस जिन जाण्यो कब कल सुजस गावों गुरु नानक क्यों राज जोग जिन माण्यो। गुरु नानक दी स्तुति मैं इस करके करदा हाँ क्योंकि उसने दो चीज़ां नू एक जगह इकट्ठिया कीता है, राज जोग, राज भी है ते जोग भी है, मतलब पदार्थ ते परमार्थ दोवां दी इक बैलेंस्ड अप्रोच। संसार दे विच बंदे नू दीन दुनिया उहदे अंदर रहण दी जाच होए, दीन दा मतलब एथिकली बैंकरप्ट नहीं होना, दुनिया दा मतलब दुनियादारी च बैंकरप्ट नहीं हो जाना। वी हैव टू हैव बैलेंस्ड अप्रोच, उस लैवल ते बात की गई। हुण जिहड़ी बात इत्थे आ रही है, माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, इत्थे माया दा मतलब पदार्थ नहीं इल्यूजन है। इल्यूजन दा मतलब ये इलिट्रेशन दी एक नैक्सट स्टेज आ, जदों बंदे नूं दिस सारा कुछ ही रहि, जिहनूं असीं धुंद कहिंदे आ, धुंद नेरा नहीं हुंदा ही पर हनेरे तों किते खतरनाक हुंदी है। आप अहसास करो कदे अजे इत्थे तुसीं उस लैवल दे नहीं है जिहड़ी हैगी है, फॉगी कंडीशन जिवें नहीं वेखियां आपने, तो इंडिया देश ते सब देखियां ने उस रूप के अंदर, उत्थे कोई लाइट नहीं काम करती, कुछ नहीं बिल्कुल, तो ये भी नहीं नेरा आया, चिट्टा है सब कुछ पर दिस कुछ भी नहीं रहा। जिहड़ी इल्यूजन की कंडीशन है ये इलिट्रेशन का हायर लैवल है, क्योंकि जिहड़ा बंदा थोड़ा इलिट्रेट आ अमूड आनू तो समझाया जा सकता, पर जिहड़ा बंदा लिटरली तौर पर एक लिटरसी का लैवल क्रॉस कर गया फिर उहदे लई उहनू समझाणा भी हार्ड आ। जे अज की दुनिया का सी सब तो वड्डा जिहड़ा हैगा है सुख वाला हाल भी देखिए तो दुख वाला हाल भी देखिए, जिहड़ा अज का कारपोरेट वर्ल्ड आ इन्ने सुख भी सुरजीत किया बहुत वड्डा लैवल ते, क्योंकि दुनिया दे विच पदार्थ की बेतहाशा परमारता आप इत्थे देखिए, वालमार्ट कॉस्को होम डिपू लोज या वड्डियां वड्डियां चेन्स ने सुपर स्टोर, इन्हां ने लोकां वास्ते पदार्थ बड़ा मतलब आसानी नाल ते बड़ा अफोर्डेबल वे नाल वह मुयसर करा दिता है, उसनों प्रोवाइड किया है, एक खासियत है, कोई शक नहीं है। आप एहसास करो कि आप किसी कोई चीज़ खरीदनी है किसी स्टोर चले जाओ, बल्क दे बल्क पए ने, जो चाहो मौजूद है, मुयसर है उस रूप दे विच। पर एक चीज़ होर भी हो गई, वो ये कि जिहड़ा प्रॉफिट अर्निंग वाला हिस्सा सीगा उहदे विचों वो सारे का सारा सुकड़ के कुछ लोगों के हद तक पहुँच गया, तो पैसे की इतनी ज़्यादा इंतहा ते हवस जिहदा कोई मुकाबला नहीं तो जिहदे बाबत इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। हुण उस हालत विच्चों समाज विच फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है। आप एहसास करो साढ़े इत्थे जिहड़ा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैगा आ, इलैक्शन कैंपेन वास्ते जा रहे, कैनेडा वास्ते नवा कल्चर आ, लिटरली तौर पर उहदी पर खिलाफत हो रही है। तुसीं देखो इस तरीके का एक जड़ा पूरा हेटड एनवायरमेंट प्रेजिडेंट के इलैक्शन असी इतने देखिया, तो क्या मतलब वो रात लोगों याद आ जो कुछ होया उस सारे दे विच। और जे उस थोड़ा होर तुसी नैरो डाउन करोगे तो उस सारे का जड़ा सब तो पहला विक्टिम आ वो बनणगे जड़िया कम्यूनिटी इमीग्रांट्स कम्यूनिटीज़ ने, पीपल विद कलर, पीपल विद डिफरेंट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डेमोग्राफिक्स, वो वाले
क्योंकि एक नरेटिव यह लिखा जाता है कि इन्ह लोगों करके साड़ियाँ जॉबा जा रही बिजनेस जा रहे आ चीज़ा हो रही चीज़ा एक्चुअली पता तो यह नहीं लग रहा कि विचों कारपोरेट वर्ल्ड सारा कट के खा चला हूँ उस सारे दे बाबत तो मैं पहले बेनती की समाज में फायदा तो बहुत होया सुखमई हाल हालात सब ने माने ये कोई शक नहीं है पर भाई किसी चीज़ की लिमिट भी तो होंगी है कोई तो कितने ना कितने जाके रोक लाओगे ना हुण ओ जिहड़ी अलामत आ ये एक्चुअली असी जे इस तरीके नाल लगातार चलते रहांगे एंड वी आर गोइंग टूवर्ड अगेन फ्यूडल सिस्टम जिदे च एक बंदे दी जगीर होएगी बाकी सारे उहदे मौरूसी ते मुजारे होणगे ये सिस्टम इहनू ते बड़े औखे होके तोड़िया फिर उस तो बाद किन्नी ब्लड शेडिंग हुई सारा कुछ होया ते फिर एक असी सोशल डेमोक्रेसी वाले पासे वधे दोबारा फिर उस पासे नू जान दे जिहड़े कारण बन रहे इहदे लई किसे एक धिर नू जिम्मेवार नहीं समझिया जा सकता इहनू इस तरीके नाल जाणो जिवें साडे घर दा जिहड़ा गुरमत स्कूल ऑफ थॉट ने स्लोगन दिता वह है देग देग फतेह देग देग फतेह नू समझो देग असी प्रसाद नू कहिंदे आ तो प्रसाद उदों वरताया जाता जो तेग श्री साहब वो भेट की जाती है तेग इज़ द सिंबल ऑफ पावर देग इज़ द सिंबल ऑफ मटीरियल और यू कैन से द सोर्सेज ऑफ वर्ल्ड ये सारी धरती देग आ देग सारे इको जी मिलनी चाहिए सांझी है सारे की पर सांझी तां रहेगी जे इहदे सिर दे उत्ते तेग सही रहेगी तेग पावर जिन्हां हत्थां विच ताकत आ जे ओह सही होएगा ते इहदे लई सानूं सारिआं नूं कंट्रीब्यूट करना पएगा असीं जे सारे दे सारे किसी इल्यूजन विच जीआंगे तो बाबा जी दे बारे यही कॉन्शियसता जगाना है भगती जे ते कल्ली ते इक जगह बैठ के समाधि ला के करनी हुंदी फिर ते योगी कर ही रहे सीगे बड़ी वधिया कर रहे सीगे सिद्ध कर ही रहे सीगे क्यों बाबा कबीर सरीखियां रूहां भगत नामदेव जी वर्गियां रूहां जिन्हां ने मैसेज एक नवें वे नाल दिता जिस क्या नामा कह तिलोचना मुक्ते राम समाल हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल हाथ पाओ कर काम सब हुण जिहड़े कम कार करने ने तुसी मुशक्कत कर दे हो किसी जगह ते जाके ते उहदा इवजाना उहदा प्रॉपर जिहड़ा बेनीफिट है तुहानूं मिलना चाहीदा है जे नहीं मिलेगा तुहाडा खून खौलेगा ये किवें हो गया जे नहीं खौलेगा तो फिर डेफिनेटली तुसी स्लेव बनते लगे जाओगे तो अल्टीमेटली जिहड़ी तुहाडी वर्क एबिलिटी है वह भी घटेगी प्रोडक्टिविटी घटेगी सोसाइटी फिर उस पासे नूं तकी जाएगी जिथे जाके जिवें भारती खिते ने देखिया मुगल आए उन्हां दी गिणती तो बहुत ही नहीं सी मुकाबलतन रहण वाले लोगों तो कितने घट होएगी जिहड़े रह रहे सीगे उत्थे उन्हां तों तो कितने घट होएगी ना पर जेतू हो गए जेतू किस करके होए क्योंकि उन्हां दे कोल इन्हां दे मुकाबले ज़्यादा इनोवेटिव वे दे नाल वैपन सीगे ट्रेनिंग सीगी ये हाथी ते चढ़े सी उन्हां कोल बंदूक सी इन बिन यूरोपियन आए यूरोपियन ते बिल्कुल थोड़े जिहे सी मुट्ठी भर सीगे होया कि एक्चुअल लैवल ते उन्हां कोल वैपन सीगे सारा कुछ सीगे मतलब सोसाइटी दे विच जिहड़ी ये सारी चीज़ है गुरु पातशाह साहिब ने इसे करके कहा समझो समाज संसार नूं बंदे दा बिहेवियर ही उहदा सब तो वड्डा दुश्मन है बंदे नूं एक दूसरे दा दर्द समझना चाहीदा है ते दर्द समझदे होए एक दूजे दे फायदे एक दूजे दे नुकसान सांझे रखने चाहीदे यही रूहानी तौर ते बंदे दी अपलिफ्टिंग आ मगर इहदे विच्चों जदों बंदा इल्यूजन च जांदा है तो सोचदा नहीं 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 एक्चुअली ना जस्ट मैनूं कोई इस वक्त दा वक्ती तौर ते कोई बेनीफिट मिल जाए एंड हू केयर लोंग रन दे विच लोंग रन च सारयां दी सफरिंग होएगी बाबा जी कहिंदे अवेयर रहो इत्थे मेरा तेरा कुछ नहीं हुंदा सब दा सांझा ही है सब इहदे च बचन आया माया ते माया भी फिर इल्यूजन किवें वरतदा ग्रस्त भ्रमत है प्राणी ग्रस्त भ्रमत है ग्रस्त की शुरुआत होंगी घर तो घर का मतलब एक छोटी जी जगह जिद च असी जाके रहने जिन्हों असी मेरा कहने आप होर एहसास करोगे इस सॉरी फिर इलैक्शन की बात आएगी इस इलैक्शन से बड़ी वड्डी चर्चा चली कि घर अफोर्डेबल नहीं रह गए मैं लिटरली तौर पर बयान करा एक्चुअल लैवल ते
एक जिनियां वॉल्स विच आर मेड बाय नेचर विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स एंड स्टक्को एंड ऑल दीज थिंग्स उदे तो लै के जिहड़ा एक होम कंफर्ट प्लेस आ उत्थों तक दा इस कन्वर्सेशन ने सफर तय किया इट्स अ गुड साइन घर का मतलब सिर्फ चार दीवारां ते सब कुछ नहीं हैगा इहदा मतलब बंदे दे जीवन का कंफर्ट लैवल है बंदे नूं चाहीदा आ इहदी डिबेट हुई दैट्स अ गुड थिंग ये लोड़ींदा है सारिआं वास्ते पर एक रंग होर देखिए जिहड़ा घर आ उहदे विच बंदा फिर हर तरह का सुख पदार्थ सब इकट्ठा करना चाहुंदा आ ते ओह इकट्ठा करन वास्ते कई बार बंदा अपने नाल ते आले दुआले नाल धक्का कर लैंदा जिहनूं बाणी ने बड़े सुंदर ढंग नाल बयान किया महाराज बयान करदे कहिंदे कि कर कर अनर्थ बिहाजी संपै संपै कहिंदे संपत्ति नूं कैपिटल बंदा अनर्थ कर करके अनर्थ दूजे नाल ते भुल जाओ दूजे नाल ते अनर्थ की करना पहला अनर्थ अपने आप नाल करेगा जिथे 8 घंटे काम करना बनता है बंदा उत्थे 18 घंटे भी कर रहा अनर्थ कर रहा जिहड़ा समा उसनू अपने परिवार नाल अपनी वैल बीइंग वास्ते अपने कुछ सैल्फ केयर वास्ते लाना चाहिए वह भी बंदा सरमाया जनरेट करन ते ला रहा है अनर्थ है ये इस किस्म के इल्यूजन तो बाणी कहिंदी बाहर आ जा अपने जीवन दे स्पैन नूं देख छोटा जिहा जीवन है उहदियां लोड़ां दे मुताबक जिहड़ा तेरा वाजब फैसला है वह लै विवेकशील हो इहदी गुरु रामदास साहब मंग करदे मालक माया ग्रस्त भ्रमत है प्राणी प्राणी इहदे च भटक जांदा है उहनूं बैलेंस करना नहीं आउंदा वह कई बार स्टक हो जांदा विच फिर क्या रख ले हो जने अपना तू तो तरस करन वाला है मालक तू तरस कर अपना जन बना के रख लै भाव उन्हों सुमत्या दे मनुख इस जीवन की सुमत्या नाल जीए तो एक बैलेंसड अप्रोच लैके अडोप्ट करे जिवें बात मैं पहला कीती सी मैडिटेशन का एक आउटकम यह भी है बंदे नूं इस किस्म की सोच दे धारनी बनाउंदा आ अगला बचन आ ज्यों प्रहलाद हरनाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर शरणा ज्यों प्रहलाद हरनाक्ष ग्रस्यो प्रहलाद ते हरनाक्ष की कहानी असीं बड़ी ध्यान नाल सुणदे आ ते इस मैट इन्हूं एक मैटाफोर के तौर पर भी देखो तुसी बाप औलाद नूं पैदा करदा है इस करके पैदा करदा है कि जिहड़े सुपने मैं आप नहीं पूरे कर सकिया जिहड़े ख्वाब मेरे जीवन च पूरे नहीं होए मैं इहदे जीवन च पूरे हुंदे होए देखांगा दैट्स वाई पीपल हैव किड्स अज वर्ल्ड वाइड गल हो रही है लोग बच्चों खास करके अपनी जिहड़ी आने वाली जनरेशन उन्हां पैदा करन दे विच पालन दे विच कोई बहुता इंट्रस्ट नहीं विखा रहे खास करके जिहड़े लोग एक लैवल ते एजुकेशन लै गए ने ते एक लैवल ते उन्हां दे कोल लाइफ का कंफर्ट है दे आर नॉट प्रैफरिंग इट एट ऑल उहदे पिछे कई रीज़न ने पहला रीज़न यह है लोगों के सुपने मर गए हैं दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ ड्रीम्स विच दे रियली वॉन्ट टू सी एक्चुअली टू गैट अकॉम्पलिश्ड इन फ्यूचर आ कारण है एक निराशता की गल है जिहड़ा बच्चे की आमद उहदी प्रतिपालना उहदे वास्ते जीवन डेडिकेट करना यह बहुत उसारू चीज़ है ये कोई छोटी चीज़ नहीं है पर यह चीज़ा असी देख रहे इस रूप दे विच बाप औलाद नूं पैदा करदा ते उन्हों इस करके पैदा करदा कि ये मेरे सुपनियां नूं साकार करेगा जो अपने सुपने देखदा ठीक है बात हो गई बच्चा ये भी देखने वाली गल आ कि उहदा एक अपना यूनीक परसोना लैके आउंदा इत्थे फिर फैमिली दे क्लैशस शुरू होंदे ने जिहड़ियां असल बात रूप बात होंदी है एक चीज़ मन्नी जाए मैं भी देखो स्टडी करदे चीज़ां समझियां ने इस चीज़ उत्ते इस रूप दे विच साडे आम करके हुंदा कि बच्चा आग्ञाकारी होना चाहिए आग्ञाकारी तो होना चाहिए ओबीडेंट तो होना चाहिए
बट ओबीडेंट टू होम। असी कई बार बहुत अटपटियां गल्लां भी करते हैं। बच्चा माँ बाप का आग्ञाकारी होए, हरन प्रहलाद तो नहीं है, ये साड़ी कैटेगरी फिट ही नहीं बैठता। गुरु नानक साहब तो नहीं है, वो तो इस कैटेगरी फिट ही नहीं बैठते। इसका मतलब की है, आग्ञा उदी मन्नी जाए, उदी पाली जाए जिहड़ी मन्नण योग है। जिहड़ी मन्नण योग नहीं, हाँ टहल सारयां दी होनी चाहीदी है। बच्चा टहलुआ होए, केयर करे भैण भरावां दी, माँ बाप दी, उन्हां दी लोड नूं एड्रेस करे, उन्हां दा ब्लाइंड फॉलोवर ना होए। ये चीज जिहड़ी है इहदे इस ते इह कुदरत ने सिखाया भी इस रूप दे अंदर। सो इस करके बात यह भी आती है कि इस चीज़ में भी समझो। हुण दूसरी बात लै आईए, जो कि हरनाक्ष ते प्रहलाद की गल हो रही है। हरनाक्ष द्वारा ही पैदा किया गया प्रहलाद, तो प्रहलाद एक हायर थॉट नूं अडॉप्ट करता है, तो वो अपनी पहली अथॉरिटी नूं चैलेंज करता है। साढ़े अंदर भी दो थॉट्स चलते हैं। एक थॉट वो है जिस थॉट करके जिद लालसी खूब सारा, जिद मीन टाइप ऑफ क्लैवर टाइप ऑफ बिहेवियर सीगा, जिदे नाल मैं अजे तक सरवाइव किया। समहाओ मैं अपने दोस्तों मित्रां च, अपनी सोसाइटी च, अपनी जगह पर बच बचा के एक जगह पर पहुँच गया। हुण उहदे विच एक होर थॉट आ रहा, वो थॉट ये आ रहा है भी तू ना थोड़ा नाइव भी रहा कर, इट्स ओके। थोड़ा वनरेबल होना कोई माड़ी गल नहीं है। सच एज इफ सम पीपल आर गैटिंग सम सोर्ट ऑफ एडवांटेज फ्रॉम यू, यू शुड नॉट बी एंग्री एट ऑल, दैट्स देयर नीड, बिकॉज यू हैव डन विद समवन एल्स एंड समवन एल्स इज डूइंग टू यू, इट्स ओके, लेट इट हैपन। बंदा कहिंदा हाउ कम, पता जिहड़े स्कूल पढ़ने पै रहे ने, स्कूल दा मैं प्रिंसीपल रहा हाँ, मैनू तो सारा पता है। मैं तो बिल्कुल आ जिहड़ी चीज़ है, ये हरनाक्ष की बिरति है। समाज दे विच, सोसाइटी दे विच कई चीज़ां लैट गो करनियां पैंदियां ने। जे मायावी रूप विच देखिया जाए ना, तो ये एक एक्चुअली है तो कुछ भी नहीं, पदार्थ जिहड़ा है ये रोटेशन विच चलता, रोटेट हुंदा है, इत्थे आ हुण, इत्थे आ हुण, इत्थे आ हुण, इत्थे, इस तरीके नाल। तो इहदा चलना भी जरूरी है। समाज संसार इहदे नाल ही अगे वधदा ते चीज़ां अगे वधदियां। इस करके बाबा जी ने कहा किसी चीज़ नूं भी बहुत ज़्यादा, जिवें गर्दब प्रीत भसम संघोए, खोते की बिरति है भी जिस रूड़ी ते लेटना उत्थे ही लेटना, उत्थे ही लेटी जाना, उत्थे वो ना पाईए ते सगली धरती साध की, वक्त दे बदलते, वक्त नाल मुहाज बदलते, रुजगार बदलते, जीवन दे जीण दे ढंग तरीके बदलते, नूं एक्सैप्ट किया जाए। मना जप उस अध्यात्मी शक्ति नूं ते सोच साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दा तार, क्यों तू इस चीज़ दे विच रूढ़ीवादी होकर तुरदा है। बाबा जी ने बयान किया, ज्यों प्रहलाद हरनाक्ष ग्रस्यो, हर राख्यो हर शरणा, मालक तू उस प्रहलाद दे थॉट नूं जो कि बड़ा नाइव ते वनलेबल ते बड़ा अदना छोटा जिहा, उन्हें मरण तो बचा लिया। तू एडे वड्डे राजे नूं ते बाप की पोजिशन विच होण वाले नूं उन्हें खत्म करता। तू मेरे अंदर भी यह चीज़ आ, मेरे अंदर भी माया भी बिरती बहुत जोरावर आ, मालक तरस करी मैं उहदा शिकार ना हो जावा। मेरे अंदर भी जो थोड़ा जिहा भोलापन आ, जो मेरी थोड़ी जी शराफत आ, जो मेरे च थोड़ा जिहा कोई जिन्हों कह लो कि चंगेरापन आ, सदभाव आ, वो मरे ना मालक, उन्हें बचाई, मेरी मदद, मैं मदद मंगदा मैं तेरे तो। आ रूप है गुरु रामदास साहब का। अगला बचन आ महाराज बयान कर दे कि कवन कवन की गदमित कही है, हर किए पतित पवन्ना। किदी किदी गल करिए जी, कवन कवन की गदमित कही है, किदी किदी असी गदमित करिए, भाव किनू किनू बखान करिए इस भाव दे विच, इस अंडरस्टैंडिंग दे वास्ते। क्या हर किए पतित पवन्ना, पतित तो पतित नू भी उन्हें पवित्र पावन कर दिता। हुण लिटरली तौर पर साडी बहरूनी दुनिया चो मिसाल दे के गुरु रामदास साहब बयान कर दे
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਢੋਵੈ ਢੋਰ ਹਾਥ ਚਮ ਚਮਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਮਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸਮਾਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਟਾਰਕੋਲ ਵਾਲੇ ਰੋਡ 'ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਿਡ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਰਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਟਿਵ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਗਦਾ ਅਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿੱਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੰਡੇ ਉੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਉੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਕਿੱਕਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨੀਡਲ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਮੁਹਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੀਡ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੋਚੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਭ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੀ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ। ਉਸ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਮਰੇ ਡੰਗਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਢੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਯੂਨੋ ਡੈਡ ਐਨੀਮਲਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਚਮੜੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਮੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਏ ਡੰਗਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਐਸੀ ਸਰੀਖੀ ਰੂਹ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁਟੁੰਬ ਬਾਂਡ ਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤ ਹੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮੋਏ ਡੰਗਰ ਢੋਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁਟੁੰਬ ਬਾਂਡ ਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤ ਹੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ ਅਬ ਕਰਹੇ ਡੰਡੋਤ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਲੋਕ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਸ਼ਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾ ਦਿਸਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੁਤਬੇਦਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਕਤ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਹੈ,
तो गुण सिर्फ स्किल नहीं होंगी, सिर्फ हुनर नहीं होंगे, गुण का मतलब है बीइंग ए ह्यूमन तुसी कित्थे स्टैंड करदे हो। जिन्नी ह्यूमैनिटी नूं तरजीह देवांगे, ह्यूमन वर्चूज नूं तरजीह देवांगे अपने अंदर अपने परिवारां विच समाज दे विच, इह समाज स्वर्ग बनेगा। दैट इज़ द अल्टीमेट अचीवमेंट वी कैन सी इंजॉय इन दिस वर्ल्ड। इत्थे बाबा जी ने बात कीती, उह भले बंदे देख ओए ढोवै ढोर हाथ चम चमरे हर उधरे हो परे ओ शरणा। जदों ओ उस रब्बी गुणा वाले राह ते तुरिया ना, रब ने उहदा उधार कीता, उहनूं सत्कार ते अदब मिलिया। बिल्कुल अंतलियां लाइनां ने, प्रभ दीन दयाल भगत पवतारण। प्रभु जिहड़ा दीनां ते दया करन वाला है, भगतां दा भय कटन वाला है, तरन तारन हारा आ। हम पापी पाप रखना मालक, असीं तेरे गिरदास करदे हां, तूं सानूं पापी राख पपना। जिहड़े पाप साडे अंदर पनप रहे ने, जिहड़ी मैं पहलां छोटियां छोटियां एग्जाम्पल्स कीतियां, मालक उन्हां तों बचाई। बिल्कुल अंतली लाइन है, हरदासन दास दास हम करी हो जन नानक दास दासन्ना। ये मालक किन्नी वारी दास लफज़ गुरु रामदास साहब ने यूज़ किया, जिहड़े कोई तेरे राह ते तुरन वाले ने उन्हां दे दासां दे दासां दा दास बना दे मैनूं। भाव गुमा का दा हंकार का दा, गुणा दा गाहक बन, ते गुणा दा गाहक बन के उहदे तों गुण सिख, जिहड़ा चंगे गुणा का मालक या चंगे गुणा नू अपने जीवन दे विच लैके बैठा हैगा। साहब रहमत करन ऐसे आलमी अलाही वाकां चों सानू चंगेरी प्रेरणा मिले, असीं गुरमतीए हो सकीए। इन्हीं एक बिनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चितारिओ। जे एक बार फिर किरसानी संघर्ष नाल जूझ रहे माई भाई की सफलता की अरदास करदियां होइआं समापन करदे हाँ। कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।